हेलो व्यूवर्स, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज रात डिनर में आप कुछ हेल्दी से खाना चाहते हैं, तो चलिए आज हम बनाते हैं हाई प्रोटीन रोस्टेड सोया सलाद। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सोया चंक्स को 1 घंटे के लिए नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था, और ये देखिए सारी बड़ियाँ जो है अच्छे से फूल गई हैं। इनमें से सारा पानी हाथ से निचोड़ निचोड़ के और ये निकाल लेना है, और बड़ियों को एक दो बार अच्छे से धो लेना है। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये नमक है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, ऑरेगानो है, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर है। इसको एक आधा मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको भूनना, बिल्कुल लो फ्लेम पर एक आधे मिनट के लिए। और अब इसमें क्या करेंगे, ये जो सोया चंक्स है इसमें डाल देंगे। अब इन सोया चंक्स को मसाले के अंदर अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना है, ताकि ये जो मसाला है अच्छे से इनके ऊपर कोट हो जाए। इसमें 5-6 मिनट का टाइम लगेगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको कर रही हूँ। तो लो फ्लेम पर अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल जो है मसाला इन चंक्स के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा। इस साइड मैंने ये सलाद में मिक्स करने के लिए कुछ सब्जियां चॉप करी हैं। इसमें ये गाजर है, पिंक वाली रेड गाजर है, और साथ ही इसमें थोड़े प्याज हैं, और खीरा है, और टमाटर है। इन सबको जो है बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये सब हम अपने सलाद के अंदर मिक्स करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल, जो भी आपको पसंद है, कुछ और भी जो है मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो मैंने अभी फ़िलहाल यही वाली सब्जियां ली हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये देखिए, ये एक पैन में मैंने थोड़ा सा हंग कर्ड लिया है। हंग कर्ड को अच्छे से जो है ये इस तरीके से मैश कर लेंगे, ये देखिए, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है चम्मच से इस तरीके से। और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद, शहद डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये शहद है जो इसमें अच्छे से मैश हो जाए। अब इसमें सब्जियां डाल देते हैं। तो सबसे पहले खीरे, फिर गाजर, फिर रेड वाली गाजर, और फिर टमाटर, प्याज, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी जो सलाद है ये बनकर तैयार होता है। अब इसमें ये रोस्टेड सोया चंक्स डालकर और अच्छे से इनको देखिए मिक्स कर लेना है। और इसके ऊपर अब हरा धनिया डाल देते हैं, और फिर इसको सर्व करते हैं। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी सलाद बनता है ये। आपके बच्चे जो हैं बहुत खुश होकर खाएंगे इसे, और जो बच्चे जिम वगैरह करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ऑयल में नहीं फ्राई करना चाहते, तो आप इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं बिना ऑयल के। तो वैसे बना लीजिए आप बिना ऑयल के। तो बहुत ही हाई प्रोटीन जो है ये सलाद है, तो आप इसको ज़रूर खाइए, बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो व्यूवर्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।